और भाई साहब पीछे देखो ऐसे सब देख रहे हैं। यही एक्सपीरियंस तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है यार। हमारी बीवियों को ब्लाउज भी नहीं पहनने देते थे वो, पता है वो तो क्या है, लोगों को लालच दे के 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए दे के कोई सऊदी अरब ले गया, कोई अल्डेरा ले गया, कोई दुबई ले गया। एक शेर बोल रहा हूँ मैं, हमारे जनाब शकील शकील आजमी जी ने कहा था, शकील आजमी जी बहुत बहुत मैं नमाज इश्क देता हूँ उन्हें, और उन्होंने कहा था कि कहीं मंदिरों में दिया नहीं, कहीं मंदिरों में दिया नहीं, कहीं मस्जिदों में दुआ नहीं, मेरे शहर में तो है खुदा बहुत पर आदमी का पता नहीं। हेलो इंडिया, कैसे हो आप सब? मेरा नाम है सलमान। कल का लोग आप लोगों ने देखा ही होगा, पिया के बस स्टॉप पे सोना पड़ा है और अभी तो मैं हूँ टेंट में ही। और अभी बज चुके हैं सुबह के, बज चुके हैं गैस 6:26, सॉरी 7:26 अभी बज चुके हैं। तो अभी निकलेंगे मथुरा की तरफ। कल 150 किलोमीटर था मथुरा, लेकिन नहीं हो पाया, 50 से 60 किलोमीटर हो पाया था। रात में बहुत ही ज़्यादा थक गया था और नींद बहुत तगड़ा आया, लेकिन आराम से सो गया, कोई बात नहीं। डर थोड़ा लग रहा था कि कोई आए ना यार, कोई कुछ बोले ना, और कुछ इस तरीके से हमने सब कुछ अपना सेटअप अंदर ही रख लिया है। हमने बस स्टॉप पे कहाँ पे सोया है। तो भाई साहब इसको खोलते हैं, पहले खुल जा सिम सिम। गैस यहाँ पे मच्छर ना बहुत ही ज़्यादा लग रहे थे, अभी भी देखो ये देखो मच्छर अभी भी जा रहे हैं, उड़ रहे हैं। और सामने छोटा सा गार्डन है, लोग ना यहाँ पे जो यहाँ के शहर के लोग हैं ना यहाँ पे टहलने के लिए आते हैं। और भाई साहब ये हमारा कुछ यहाँ का नज़ारा है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये बाहर सड़क है, ये मथुरा वाली हाईवे, यहीं से जाते हैं। ये यहाँ पे बस स्टॉप है, ये पूरा बस स्टॉप है यहाँ पे, और हमारा टेंट ये यहाँ पे लगा हुआ है। कोई नहीं यार, अच्छा से नींद आया था, लेकिन थोड़ा ट्रैवलिंग में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, होता है, मुझे नहीं पता था यार। बरस मंजन कर रहा हूँ, लेकिन ठंडा पानी से, ठंडा पानी गैस मिल गया था हमको बस स्टॉप पे, जो पानी पीने का पानी है ना वो पानी से। एक बोतल भर के लाया हूँ, एक बोतल इधर पड़ा रखा है, दो बोतल हो जाता है नहाने के लिए, तो भी जुगाड़ बना नहीं। तो चलो भैया अभी अपना सफर शुरू हो चुका है। यहाँ पे पलवल बस स्टॉप पे मैं रुका था, अब डायरेक्ट चलता हूँ मथुरा। ट्रक का कहीं चेकिंग मिल जाएगा तो ठीक है, वो जल्दी पहुँचा देगा यार। और भाई साहब पीछे देखो ऐसे सब देख रहे हैं, यही एक्सपीरियंस तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है यार। लेकिन हाँ यार, कल कितना दौड़ेंगे, नहीं कितने रुपये थाली है अंडली? हाँ 25 रुपये थाली। अच्छा क्या चीज़ है, क्या क्या है? ये जो भैया खाना पराठे हैं, दो कॉफी है, ये भाई दाल और ये सब्जी, पराठा बन रहा है, प्याज पराठा है ना भाई, प्याज भी दे दिया। पराठे सब्जी दाल, तो शाम तक भूख नहीं लगेगी मेरे हिसाब से। 2 किलोमीटर से ज़्यादा चल के आया हूँ, लेकिन अभी भी हाईवे पे नहीं पहुँचा हूँ। ऊपर से ब्रिज बेकार है, नीचे से सब गाड़ी जा रही है, लेकिन कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत है, गाड़ी रुकना अलाउ नहीं है भाई, इतनी ज़्यादा भीड़ है, बस भगाते रहो। तो अभी भी देखो 1 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, तब जाके फिर हमको कोई लिफ्ट देगा, वहाँ से मांगेंगे तब, यहाँ से मांगेंगे तो सिर्फ टाइम ही वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि हम चलते रहें चलते रहें, और फिर कोई ना कोई आगे चल के देगा। नहीं रोके यार भाई ट्रक वाले। आज भी पहले लिफ्ट मिल चुकी है, नहीं देते हैं लिफ्ट, बहुत देर के बाद भी लिफ्ट मिली यार, 2 से 3 घंटा चलने पड़ा। चलो कोई नहीं, होता है, तो आपको अपडेट देते रहेंगे।
यहीं तक जाओगे? हाँ, चलो ठीक है भाई। यार भाई जी ने लिफ्ट दे दी यार, नहीं तो बिल्कुल हिम्मत टूटने ही वाला था यार। तभी भाई जी ने लिफ्ट दे दिया, बोले 5 किलोमीटर जाएंगे, लेकिन फिर मैं बोला मुझे मथुरा जाना है, नहीं तो फिर बोल लेंगे भाई मुझे तो दूसरी तरफ जाना है, तो 2 किलोमीटर का लिफ्ट दे दिए। चलो अच्छा हुआ यार, 1-2 किलोमीटर ही सही है, लेकिन कम से कम लिफ्ट मिलना ही बहुत वो हो गया यार यहाँ पे। अरे मुझे भी तो दिखा फेसबुक पे, हाय मेरे भाई को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अब सलमान खान को मत देखो आप इंसानों को देखो, किसी नेता को ना देखो। हाँ, वो आपकी हेल्प करने नहीं आएगा, नहीं आएगा। अभी देखो इंसान ही आएंगे, अड़ोसी आएंगे, पड़ोसी आएंगे, पंचायत आएगी, आपके जानने पहचानने वाले आएंगे, और कौन कौन आएंगे। राजनीति और अभिनेता नेता चक्कर नहीं पड़ना चाहिए, अपने इंसानियत के साथ सबको रहना चाहिए। क्या भैया और क्या भैया, अभी टैक्स टूल टैक्स आया था और भाई जी ने टूल टैक्स नहीं किनारे से ले गए। मैं उनसे पूछा भाई अच्छा मोटरसाइकिल से टूल टैक्स क्यों नहीं पड़ता? आप लोगों में बहुत लोगों को मालूम होगा कि इसका रीज़न नहीं पता होगा कि टूल टैक्स क्यों नहीं पड़ता, तो बता दो भाई। ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इनको बहुत नॉलेज है, ये बताएंगे आप लोगों को क्यों नहीं पड़ता है टूल टैक्स मोटरसाइकिल का, बता दो भाई। देखो ट्रक होता है, कार होती है, कमर्शियल कार होती है, सबका टूल टैक्स होता है, पर मोटरसाइकिल का इसलिए नहीं होता है, ये सबसे ज़्यादा रोड को नुकसान मोटरसाइकिल ही नहीं पहुँचाती, उसके टायर सबसे ज़्यादा रोड को ख़राब नहीं करते, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाँ वो है ना मोटरसाइकिल बाइक 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 चाहे जो मर्जी हो, हाँ R15 हो, पल्सर हो, है ना, चाहे हायाबुसा हो, CBR 1600, मतलब नहीं पड़ेगा, नहीं होता, नहीं इसीलिए नहीं होता, और आपको कहीं देना भी नहीं चाहिए, कोई मांगे तो देना नहीं चाहिए, देना नहीं चाहिए, देना नहीं चाहिए, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल बताने चाहिए। सही बोला भाई। तो भाई आप लोगों को ये नई नॉलेज मिल गया होगा यार भाई जी के साथ, भाई जी भी तो आप लोगों को। नहीं नहीं यार, मेरे भाई को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ये है ना इंसानियत में जीता है, ह्यूमैनिटी इज द स्टिल अलाइव, इंसानियत जिंदा है, सारे मतलब ही नहीं हो गए, सबको फायदा फायदा नहीं चाहिए, ऐसे इंसान भी हैं जो लोगों की मदद करना सोचते हैं, और जब तक ऐसे इंसान रहेंगे नहीं ये धरती चलती रहेगी। नहीं यहाँ भी है ना यूक्रेन और जर्मनी जैसा युद्ध होता, हाँ पता है होता क्या है, लोगों को लालच देके 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए देके कोई सऊदी अरब ले गया, कोई अल्डेरा ले गया, कोई दुबई ले गया, विदेश ले जाते, हाँ वहाँ ले जाते हैं, और वहाँ जाके हमें गुलाम बना लिया जाता है। हमारा भारत देश सबसे ज़्यादा आज़ाद है, सही बोला भाई, सबसे जितना जितना अपना फ्रीडम है ना उतना किसी कंट्री में फ्रीडम नहीं है, हाँ, और यहाँ इंसानियत भी जिंदा है और इंसान भी जिंदा है। बाहर जाओगे आप गुलाम बन जाओगे और पुलिस की मार खाओगे, आप घर वालों को फोन मिलाओगे और वो भी आपके पास नहीं आ पाएंगे, जो पैसों के लालच में बाहर विदेश चले जाते हैं, यू आर द लॉयर ऑफ द इंडियन कंट्री, आप सारे वकील हूँ अपने देश के लिए, आप अपने देश को बिल्ड करो, दूसरों के देश को मत करो। NRI बनने में फ़ायदा नहीं है जितना इंडियन बनने में फ़ायदा है, NRI तो दुनिया हो गई,
तेरे चल गए एनआरआई की फुल फॉर्म भी नहीं बताओगी इन्हें, बताना ब्रदर एनआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है? मुझे पता भाई, है ना? आप ही बताओ। नॉन रेजिडेंस इंडियन, मतलब क्या है इसका बता दो। जो इंडिया में नहीं रहते, एनआरआई नॉन रेजिडेंस इंडियन, लालच में चले जाते हैं। हाँ, जो चले जाते हैं नॉन रेजिडेंस इंडियन वो होते हैं एनआरआई। औरतों के लालच में माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, माँ बाप ने खेतों में दिखाना कर दी थी, सिंचाई करते हैं, ऐसे ही हमें पालते हैं माँ बाप, हमेशा माँ बाप उम्मीदें लगाते हैं, पर हम उनकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाते। कई लड़की के चक्कर में, कई पैसों के चक्कर में, लालच में, हाँ, कई जुए में, कई खाने में, कई सट्टेबाजी में, कई दारू में फंस जाते हैं। और देखना, लोगों को तो शेयर भी करना है ताकि लोगों को पता चले हमारे पास ह्यूमन राइट्स की इतनी पावर है। हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे देश का संविधान लिखा था। कौन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसने लेडीज को, है ना, ह्यूमैनिटी की आज़ादी दिलाई थी एज ए फीमेल, फीमेल कि आप औरत हो नहीं। अंग्रेज हमें मना कर देते थे, हमारी बीवियों को ब्लाउज नहीं पहनने देते थे वो। ये हिंदुस्तानी है, इनकी बीवी स्तन नहीं ढकेंगी, स्तन जिससे माँ बच्चों को दूध पिलाती है वो नहीं ढकेंगी, वो जमाना भूल गए। आप वेस्टर्न कल्चर में जा रहे हो, वेस्टर्न को छोड़ो, वेस्ट में कुछ नहीं रखा, वहाँ जंग बारूद गोलियां इसके अलावा कुछ भी नहीं रखा। तुम भी बोलोगे यार कैसे कैसे भैया मिले थे, है ना? भाई मेरा भाई बहुत प्यारा है, इसको बहुत प्यार देना सोशल मीडिया पे। और खैर, मैं तो खुद लॉयर हूँ, सीए हूँ, मैनेजर भी हूँ भाई साहब, ब्रांच मैनेजर हूँ एक्सिस बैंक में, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। मंजिल पे आदमी जरूर जाता है, जिसके हौसले मुकम्मल होते हैं वो अपनी मंजिल पे जरूर पहुँचता है ना? हाँ, तो इसलिए कहा है, देखो ना तो यहाँ हिंदू है और ना यहाँ मुसलमान है, ठीक है, केवल इंसानियत के नाते बोल रहा हूँ। ये एक शेर बोल रहा हूँ मैं, हमारे जनाब शकील आजमी जी ने कहा था, शकील आजमी जी बहुत बहुत मैं नवाजे इश्क देता हूँ उन्हें, और उन्होंने कहा था कि कहीं मंदिरों में दिया नहीं, कहीं मंदिरों में दिया नहीं, कहीं मस्जिदों में दुआ नहीं, मेरे शहर में तो है खुदा बहुत पर आदमी का पता नहीं। कि हिंदू मुसलमान, तू सिख मैं ईसाई, तू फलाना मैं ढिमकाना, है ना, नाना पाटीकर वाली बात हो जाएगी। ये कलम वाली भाई कलम की ताकत पे काले वर्तमान को मिटाना चाहती है, ऐसा हो नहीं सकता। आप देख ना क्रांतिवीर, उसमें ये डायलॉग है, ये कलम वाली भाई कलम की ताकत से काले वर्तमान को मिटाना चाहती है, ऐसा हो नहीं सकता। वर्तमान को अपने हम मिटाएंगे, जो हमने गुलामी झेली है 250 साल। अभी तो हमें कितने 75 साल हुए हैं आज़ाद हुए, 250 साल हम लोग, हमारा देश गुलाम था। हाँ, 75 साल में सेकी मत दिखाओ, 250 साल हम गुलाम रहे थे, अभी तो आज़ाद हुए हमें 75 साल हुए हैं। धन्यवाद करो उनका, वीर थे, महावीर थे, भगत सिंह, सुखदेव, ऐसे ऐसे लोगों का फांसी चढ़े थे हमारे लिए, केवल 5-6 लोग फांसी चढ़े थे, 70 करोड़ के लिए, आज़ादी के लिए नहीं, 70 करोड़ इंसानों के लिए, जो 5 बंदों ने अपनी जान को दांव पे लगा दिया था, उनको याद करो, याद करो उन पुरानी हस्तियों को। चलो तो भाई साहब, ये हमको अभी गिफ्ट दे दिए, और अभी मथुरा यहाँ से कितनी दूर है बता दो, कम से कम 35-40 किलोमीटर भाई पहुँच जाएगा 2-3 घंटे में, 1-2 घंटे में पहुँचूंगा। और इन्होंने भाई ने बहुत लंबा लिफ्ट दे दिया यार, कम से कम कितने किलोमीटर आपने लिफ्ट दिया? मैंने तुम्हें दिया होगा कम से कम भी नहीं 55 किलोमीटर, 55।
50 किलो 55 किलोमीटर भाई ने लिफ्ट दिया और बहुत ज़्यादा हेल्प कर दिया, नहीं तो अभी शाम लग जाता हूँ, कोई लिफ्ट देता कि नहीं देता, फिर भटकते रहते यार। तो चलो ठीक है, आप फिर अगली लिफ्ट लेंगे भाई को, अलविदा कहेंगे। ठीक है भाई, अलविदा। और सभी ऐसे रहना और मेरी तरफ जरा ऐसे करना, और सभी है ना सामाजिक तौर पे रहो, इंसानियत कायम करो भाई, इंसानियत पे। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, कोई हिंदू नहीं होता, कोई मुसलमान नहीं होता, कोई सिख नहीं होता, कोई ईसाई नहीं होता। तो भाई चलो बाय बाय, अलविदा। बिल्कुल सहारा टूटने वाला था यार, कि यार अब तो लिफ्ट कोई देगा नहीं यार, क्या करूँ बस भाई। तो आज पलवल में गुजरना पड़ेगा, भाई ने आके फिर लिफ्ट दे दिया। और भाई जो भी मिले थे यार, ये भाई मोदी जी बहुत बड़े फैन है यार इंसानियत के नाते, और मुझे ऐसा लग रहा था कि इन्होंने पी भी रखे थे यार, लेकिन भाई बंदा ने जो बात बोला है ना बिल्कुल सही बोल रहा है। पीने के बाद इंसान सच बोलता है, और बंदा बोलता चला गया बोलता चला गया, और जितनी बात ये रिकॉर्ड हुई भाई सब बिल्कुल एक नंबर की बात थी यार, कि अपने देश में रहो अच्छे से रहो। अभी भी मैं अपने देश में हूँ, देखो इंडिया में हूँ, घूम रहा हूँ, लेकिन कोई फिक्र नहीं है, आज़ाद हूँ, जब चाहता हूँ जब घर जा सकता हूँ। यही चीज़ भैया मैसेज दे रहे थे यार, बहुत अच्छे अच्छे इंसान मिलते हैं ब्लॉगिंग में। तो सो फाइनली गाइस, अभी आज भी मथुरा जाने का प्लान है वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि पंचर वाली दुकान वाले हैं भैया, इनसे पूछ लिया, मैं बोला भाई यहाँ पे नहाना है, इसलिए कि मैं नहाने के लिए ही रुका हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो ये इतना वजन बैग रखने के बाद, तो फिर अगर हम इस पर चलते हैं तो एक दिन में अगर नहाओ तो ठीक है, दूसरे दिन नहीं नहाओगे तो फिर बस बास आने लगता है, बहुत बेकार मैल आ जाता है। ये स्कूल देख रहे हो आप पीछे, वहीं पर आज रुकेंगे, वहीं पर लगाएंगे अपना तंबू, और फिर आज नहा धो के कल निकलेंगे। 5 हफ्ते में भर जाएगा यार पानी। फाइनली गाइस, अभी हम ये हमारा पूरा बैग है, तो अभी इसको हम यहाँ पे हमको भैया जी ने दे दिया झाड़ू, तो आज का देखते हैं सफर कैसा जाता है। और बाहर का कुछ इस तरीके से, ये पहले स्कूल हुआ करता था यार, ये है ना, ये पूरा स्कूल हुआ करता था, तो भाई ने बोला कि ये स्कूल है बंद हो गया है, तो अब यहाँ से आप रुक सकते हो, और बैग हमने यहाँ पे रख दिया, टेंट भी बाहर ही लगाएंगे, और बाथरूम टॉयलेट करने की जगह वहाँ पे सामने। तो चलो अभी झाड़ू लगा लेती हूँ, झाड़ू लगा ही रहा था फिर मैं पूरा यार, जब स्टीरियन दिखाना है तो पूरा ही दिखाते हैं, काट काट के दिखाएंगे। तो ब्लॉग को एंजॉय करो गाइस, और मथुरा पहुँचने में हमारे लिए मदद करो, मदद मतलब दुआ करते रहो कि हम जल्दी पहुँचे मथुरा। ठीक है, तो चलो आज के लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब हमको थोड़ा बहुत काम है, टेंट वेंट लगा लेते हैं फिर सोते हैं, फिर आप लोगों को मिलेंगे कल और अपडेट देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।